का भाव साहब आपने करे अंगीकार, उस राधिका के भाव साहब को आपने अंगीकार किया और से तीन वस्तु आस्वादन श्री उन्हीं तीन वस्तुओं का आस्वादन, कृष्ण की तीन अभिलाषाओं का आस्वादन, राधिका की तीन इच्छाओं की पूर्ति और सखियों का भी कृष्ण का निर्दोष प्रेम में पक्का स्वरूप, कच्चा प्रेम नहीं, प्रेम में पक्का स्वरूप है, उसका दर्शन करके सखी लोगों को भी परम धर्म आनंद की प्राप्ति हुई। आपने करे आस्वादन शिखाई भक्तों को, श्री राधिका प्रेम का स्वयं ने आस्वादन किया और भक्त लोगों को सिखाया। प्रेम चिंता में प्रवृत्त हुई, इस प्रकार प्रेम चिंता में के प्रभुधनी होकर के विराजमान हुए श्री महाप्रभु। प्रेम चिंता में के धनी है, नहीं जाने स्थाना स्थाने यारे तारे करीता, श्री महाप्रभु अब स्थाना स्थान का विचार नहीं करते हैं, कृष्ण स्वरूप में अधिकार का विचार कर रहे थे। नाम के रूप में जब प्रकट हुए तो अपराध का विचार किया, अपराध का विचार नहीं किया, परंतु अपराध का विचार किया, अधिकार का विचार नहीं किया। नाम में सत्ता अधिकार, परंतु अपराधी के ऊपर नाम कृपा नहीं करेंगे, परंतु महाप्रभु ने अपराधी की निवृत्ति करके अधिकार संपत्ति लेकर के यारे तारे कहता जिस किसी को भी प्रेम दान कर दिया, इसलिए महाप्रभु का दर्शन बलिहार। महाप्रभु का ये जो विशेषण है ये अत्यंत उत्कृष्ट विशेषण, दाता शिरोमणि होकर के विराजमान, ऐसा दाता स्वरूप और कोई दूसरा नहीं है, जहां अपराध करने वाले के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, इनमें श्री नित्यानंद प्रभु ने ऐसी कृपा विराजमान की कि सिर को फोड़ने वाला जो माधाई है उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, और उसके लिए भी महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान हो रहे हैं। दोनों दाता शिरोमणि, नित्य गुरु दोनों ही दाताओं में शिरोमणि होकर के विराजमान हुए। एक गुप्त भाव से लोग ब्रह्माना पाया, श्रीमद महाप्रभु इस गुप्त भाव के संयोग है, ब्रह्मा जी ने इसका एक बिंदु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हे धन विदाय संसार, श्रीमद महाप्रभु ने इस धन को सारे संसार में यो ही विदा लुटा दिया, विदाय यो ही लुटा दिया संसार में बिना विचार के, ऐसे दयालु अवतार, ऐसे दाता शिरोमणि दयालु शिरोमणि कौन होगा, ऐसे वे दयालु का अवतार हुआ। अवतार का तात्पर्य है कि जिसमें ऐश्वर्य परिधि कम नहीं हो और कृपालुता अत्यंत प्रकट हो जाए, उसका नाम है अवतार। इसलिए अवतार की अपनी विशेषता है कि भागवतार तो योग्य तो विराजमान रहे और कृपालुता अत्यंत प्रकट हो जाए, उसका नाम है अवतार। ऐसे वे अवतार हैं, ऐसा दाता नहीं आप गुण के गुणारे पढ़ने आए, ऐसा दाता और कोई नहीं है, इन गुणों का क्या वर्णन किया गया है। इस प्रकार अंत में श्री लीला जो है उन लीला की महिमा लड़ाई कर रहे हैं कि कहे बार कथा नहीं, कहे लगे हो पूछे ना पूछे, ये कहने की कथा नहीं है, कहोगे कोई की समझ में आएगा, कोई की समझ में नहीं आएगा, कोई तर्क करेगा, इस प्रकार श्री चैतन्य की लीला, इस प्रकार अद्भुत विचित्र होकर के विराजमान, चित्र ऐसी विचित्र माने अनेक और अद्भुत दो, चित्र कहने का तात्पर्य है संख्या में भी अनेक और प्रभाव में भी विचित्र, ऐसी श्री महाप्रभु के चैतन्य की लीलाएं सही से बुझी दे पा रहे, इन लीलाओं को केवल वही जान सकता है चैतन्य कृपा जाए, जिसके ऊपर चैतन्य की कृपा हो। लीला का गायन करके महाप्रभु की लीला का गायन किया जाएगा तो महाप्रभु के दास्य को ग्रहण करने का लोभ उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा
चैतन्य परकर की कृपा की प्राप्ति होगी और कृपा की प्राप्ति होकर के स्वरूप की प्राप्ति साधक को होगी। तो चैतन्य कृपाया है दान दासानु दास संघ, यदि दासानु दासों का संघ प्राप्त हो तो उस चैतन्य की कृपा की प्राप्ति होगी। भगवान कृपा करते हैं ये संतों के माध्यम से, संत अनुग्रहित के ऊपर ही कृष्ण की कृपा होती है। जब तक कोई संत अनुग्रहित नहीं है तब तक कृष्ण कृपा उसके ऊपर नहीं होगी, ये सुनिश्चित होकर के रहना। इसलिए भगवान सदनुग्रह हो भगवान सद अनुग्रह होकर के संत का अनुग्रह होने पर कृष्ण का अनुग्रह होता है। चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूप भंडार ते उत्प्रिया रघुनाथ कंठे, श्री चैतन्य लीला ये रत्न रूप होकर के विराजमान, ये स्वरूप दामोदर के पास में इस लीला का भंडार था। ते उत्प्रिया रघुनाथ कंठे, वहां से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस रत्न की माला को पूछ करके अपने कंठ में धारण किया। रघुनाथदास गोस्वामी से मैंने कुछ सुना और उसका विचार किया, महाप्रभु की अनंत लीला उनका भंडारी स्वरूप दामोदर और उनको उस माला को पूछ करके श्री स्वरूप दामोदर ने पहनाया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को और दास गोस्वामी से जो कुछ भी सुना है उसका यहाँ विवरण मात्र कर दिया है। भक्तगण दिल यही भेजे और भक्तगणों को यही लीला रूपी कंठहार में भी भेंट करते हुए विराजमान होगा। ऐसे इस लीला का यहाँ पर हमने समाधान किया और इसी लीला को तस्वीर जो अध्याय की समाप्ति कर रहे हैं, इसी अध्याय की समाप्ति में इसके जो प्रयास है उनको यथा कल थोड़ा सा कर्म निरूपण करेंगे और फिर कल श्रीमद् महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद में जो अब लीला में उनका जो प्रेमोन्माद हुआ है उस प्रेमोन्माद का यथा कल गोविंद जय।